शमशाबाद ब्लॉक के ग्राम पंचायत ख्वाजा अहमदपुर कटिया में ट्रांसफार्मर की अर्थिंग के तार से कई लोग शिकार होने से बाल बाल बचे। वहीं ट्रांसफार्मर के नीचे खेत में लगा कटीला तार जिसमें बिजली का करंट दौड़ रहा है। वहीं लोगों द्वारा बताया गया है कि कई लोगों को करंट लग चुका है, अभी तक इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आगे कोई बड़ी घटना हो सकती है, जल्द से जल्द इसका सुधार कराया जाए और खेत में लगे कटीले तार को हटवाया जाए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पप्पू। कहाँ रहते हैं? कटिया। कटिया, क्या समस्या? अहमदपुर कटिया। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या ये है कि यहाँ से जो है कि मान लो रोड नहीं सही है, पानी भरो रात। और समस्या ये है कि जो लोग तार लगाए कोई रास्ता नहीं है और रास्ता कदे बंद। अच्छा, रास्ता कदे बंद। उसके बाद जो है कि मान लो इसमें अर्थिंग जा रही है। किसमें अर्थिंग जा रही है? ट्रांसफार्मर से अर्थिंग जा रही है। कटीला वाले ताल लगा हुआ है, ये देखिए नीचे इसमें अर्थिंग जा रही है। अच्छा, नीचे तार लगा, इसमें अर्थिंग जा रही है। कल हम भैंस लेके आए, हम बहुत जोर गिरे। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? अभिजीत कुमार। क्या समस्या है? समस्या ये पानी भरा रहता है और पानी के बाद में ये कटीला वाला तार लगा दिया, इसमें करंट भी, इसने अर्थिंग वाला करंट भी लगा दिया कठवीले में। अच्छा, इस मतलब ट्रांसफार्मर से अर्थिंग वाला तार जो है इसी में जोड़ दिया गया? इसी में जोड़ दिया, कठवीले वाले तार में जोड़ दिया है। अच्छा, लोगों को करंट लगा है क्या? हाँ, लोगों को, तीन चार मेरी भाभी को लगा, भैया को लगा करंट। अच्छा, क्या नाम है दादा? मेरे लड़के जो है, इधर देखो, बंद हो तुम्हें फुल दिखावा। हाँ, अर्थिंग वाला तार बंधा हुआ है, उसमें पूरी अर्थिंग है या नहीं है? और क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। क्या समस्या बताओ? समस्या यही है, मतलब रोड भी नहीं सही और ये कटीला लगाए हुए हैं। अच्छा, कितने लोगों को करंट लगा इससे? इससे चार लोगों को करंट लगा। मगर मौखाप नहीं है, मौखाप होते तो हम उनको दिखा देते। अच्छा। उनका जखम दिखा देते। तुम्हारा लड़का आइयो, वो आइयो। देवेंद्र, कहाँ रहते हो? ग्राम ख्वाजा में कटिया। क्या समस्या है? अरे यहाँ पर तार लगा बिजली का, दो तीन लोगों को झटका लग चुका है, इसलिए गिर पड़े हैं। बिजली का तार नीचे किसने लगा है? कटीले जो बिजली मैन है वो ही बांध गए होंगे। अच्छा, अर्थिंग वाला तार जो बिजली मैन है वो ये तार लगा हुआ है मक्के में, इसमें बांध गए हैं? हाँ, वो मक्के के तार जो निकला है उसी में बांध गए। अच्छा, कितने लोगों को करंट लगा है? दो तीन लोगों को, भाभी हैं एक दिन, उनके भी लगा है, और एक बच्चा है उसके भी चोट भी लग गई, अभी दिखाएंगे, वो बच्चा आ गया है। अच्छा, क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम महादेवी। महादेवी कहाँ रहती हैं? ख्वाजा अहमदपुर कटिया में। क्या समस्या है? समस्या ये है कि ये तालाब में पानी डाल रहे हैं, हमारा सब घर बूढ़ी है। अच्छा, तालाब की साफ सफाई नहीं डूबी है? हाँ बिल्कुल, तालाब की साफ सफाई नहीं हो रही है। कुछ ना है, कब से साफ सफाई नहीं हुई है? प्रधान ने करवा जा और रुपया निकाल ले। अच्छा, रुपया निकाल लेते हैं। कितने दिनों से साफ सफाई नहीं हुई है? जाए साल खांड है ये। कितना टाइम हो गया माता जी? बहुत टाइम हो जाए। अच्छा। देखो ना, झाड़ी ठाड़ी है बिल्कुल। क्या नाम है दादा? मुन्ना लाल। कहाँ रहते हैं आप? इसी गांव कटिया। कटिया में। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये तालाब है, जब भरा ज्यादा पानी घुस गया तो या कोई निकास है नहीं पानी और आ रहे प्रधान लोग ला रहे। अच्छा, प्रधान लोग इसमें तालाब में पानी और कर रहे हैं और इसका निकास नहीं है? निकास नहीं इसमें। अच्छा, घर दस्त हुआ पानी भरा हुआ तो घर में। अच्छा, पानी का भराव घरों में हो जाता है। अच्छा, तो इसकी साफ सफाई नहीं करवा रहे प्रधान? क्या नहीं, अभी तो नहीं हुई। कितने दिनों से साफ सफाई नहीं हुई है? पिछली प्रधानी में हुई थी। अच्छा, साफ सफाई के लिए आप लोगों ने बोला नहीं प्रधान से? बोला का, जब वो ला रहे टेंशन में नहीं बोल पाए। अच्छा, क्या नाम है दादा आपका? बालम कुंद। कहाँ रहते हैं? ख्वाजा अहमदपुर कटिया। क्या समस्या है आपकी? समस्या बहुत बड़ी, देखो साहब, समस्या आई सामने। अच्छा, क्या समस्या बताइए हमको? समस्या तो जा है, ये तलैया जो भरी है ताल जो जी, देखो पानी निकास कहूँ नहीं है। अच्छा, और पानी निकास कहूँ नहीं है, फ्रिज में और पानी लाओ जे बाहर से तो फिर कैसे बने साहब जो। अच्छा, तो इसमें गंदगी काफ़ी है, ये बताइए इसकी साफ सफाई कब से नहीं हो रही तालाब? तो कुल टाइम हुई, तब सफाई हुई थी। कितना टाइम हो गया लगभग? हमका 5-6 साल ही हुए। अच्छा, 5-6 साल हो गए साफ सफाई, आपने बोला नहीं प्रधान जी से? प्रधान जी से बोलो तो काफी करवा देंगे सफाई। अच्छा, करवा देंगे। अच्छा, आपका? शिवम। कहाँ रहते हो? कटिया। ये बताइए क्या समस्या हुई आपको? ये तार लगा हुआ है इसे, इनमें करंट आता था तभी दूर गिरे जाके चोट लग गई। अच्छा, आपको चोट लगी है? हाँ। इसमें करंट आ रहा था, तार में करंट आ रहा, आपको झटका लगा पैर में? अच्छा, गिरे जाए।
कुल दूर गिरे जा कर। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए इससे आपके अलावा और किसी को करंट लगा यहाँ पे? कितने लोगों को करंट लगा? लोगों को लगा है। अच्छा अच्छा, चलिए। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम मनीष कुमार है। कहाँ रहते हैं? हम ख्वाजा अहमदपुर कटिया। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है, ये पूरे गांव का तालाब पानी इसी, पूरे गांव का पानी इसी तालाब में डाल दिया। हाँ। तीन ताल, दो तालाब और ऐसे कहना था। तालाब तीर का पानी सड़क में डाला गया। हाँ। वो तालाब में पानी नहीं डाला गया और पूरे गाँव का पानी जुड़ा के इसी तालाब में डाला जा रहा है। अच्छा, गाँव का पानी रोड पे डाल दिया है? हाँ, रोड पे पड़ा है उधर। तालाब में नहीं डाला गया? वहाँ तालाब में नहीं डाला? तालाब में नहीं पड़ा है। ऐसा कोई प्रधान जी से बोला नहीं आपने? बोला क्या हुआ, दबंगई है क्या? जो तो नहीं मालूम क्या है, किसकी दबंगई चल रही प्रधान की? क्या मालूम क्या चल रहा है, लेकिन पढ़ नहीं रहा फिलहाल में, डाल नहीं रहे बोलो। अच्छा, प्रधान का नाम क्या है? रामा सरे। कहाँ रहते हैं? जी रहते हैं नगला धनी में। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनीष कुमार। अच्छा अच्छा।